दोस्तों गुड आफ्टरनून, मैं आप सबकी दोस्त पारुल चावला, हृदयांश की मम्मा। हृदयांश क्या है मामा? क्या चाहिए मिस्टर ड्रामा? पास्ता। तो आज के व्लॉग में हम बनाने वाले हैं यमी यमी पास्ता। हृदयांश जी आज ट्यूशन से आ चुके हैं और उनकी डिमांड है कि मम्मा आज हमें पास्ता खाना है। तो पास्ता बनाने की प्रिपरेशन चल रही है, ये रेसिपी मैं आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। हृदयांश आपको कुछ बोलना है कैसे है? हेलो से हेलो। आज का ट्विस्ट हृदयांश लेमन रेस में जीत गया। क्या आया है? फर्स्ट आया है। से कांग्रेचुलेशन टू हृदयांश। हृदयांश को आप सबको कांग्रेचुलेशन कहना है। हृदयांश लेमन रेस में फर्स्ट आया है और इसने बहुत इंजॉय करा है। मेरे बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, मैं इन्हें बहुत शर्म मिस कर रही थी। और आज के व्लॉग में हम बनाएंगे पास्ता प्लस मैकरोनी, दोनों को मिक्स करके। ठीक है दोस्तों, आज हम व्लॉग में पास्ता और मैकरोनी मिक्स करके बच्चों के लिए हेल्दी पास्ता बनाएंगे। वही कहना है जो हृदयांश ने कहा था, नहीं तो मेरा जियांश बुरा मान जाएगा। क्या कहना है जियांश? आज खाने में क्या है मामा? क्या खाना है मिस्टर ड्रामा? पास्ता। हम हृदयांश के लिए भी बनाएंगे यमी यमी पास्ता। तो मैं सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने 1 बाउल पास्ता प्लस मैकरोनी बॉइल्ड होने के लिए रख दी है, जिसे मैं एक विसल आते ही बंद करके छान लूंगी। उसमें मैंने बॉईल करते समय जरा सा सॉल्ट ऐड किया है और कुछ नहीं। उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं उसे ऐड कर दूंगी, जिससे वो अलग अलग हो जाए। और मैं इसमें कुछ चीज़ें डो डालने वाली हूँ जिससे ये हेल्दी बनेगा, वो वेजिटेबल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादातर हमारे जो बेबीज होते हैं वो वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, बट मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं करते। वो सिर्फ इसी बहाने से अगर मैं उनको पास्ता या फिर मैगी वगैरह कुछ बना देती हूँ तो मैं उसमें ये वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लेती हूँ। आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने की कोशिश कीजिए। इसमें आप देख लीजिए कि मैंने 1 बाउल कैप्सिकम और बीन्स क्रश किए हुए हैं, 1 कैरेट, टोमेटो एंड 1 ऑनियन, जिसको मैंने अच्छी तरह से बारीक क्रश कर लिया है ताकि अगर मैं इसे ऐड करूं तो उसको पता भी ना चले बच्चों को। तो मैंने इसमें स्वीट कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन और जो वेजिटेबल्स टमाटो वगैरह ऐड कर लिया, क्योंकि मेरे बच्चों को यही पसंद है। अगर आप चाहें तो आप इसमें स्वीट कॉर्न्स या जो भी आपके बेबीज़ को और आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बच्चों को इतना ये बड़ी अच्छी बात कही आप दोस्तों। सबसे पहले हमने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के रिफाइन, उसमें क्यूमिन सीड्स डाल देंगे थोड़े से, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर इसमें हम ऑनियन और इसके साथ ही हम इसमें सारी वेजिटेबल्स इनको हमें थोड़ा बहुत सॉटे ही करना है वेजिटेबल्स को। हम अच्छे से वेजिटेबल्स को सॉटे करके इसमें टमाटर भी साथ ही डालते हैं, बाद में नहीं डालेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। दोस्तों हम इसमें जो थोड़ी सी ही मतलब इनको वेजिटेबल्स को हमने सॉटे करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये जो हम अगर ज़्यादा कर लेंगे तो वो बिल्कुल जो होती है अच्छी नहीं लगती हमें पास्ता के अंदर। मसाले हम अपने बेबीज के अकॉर्डिंग हल्के से डालेंगे ताकि स्पाइसी होने पर आपको पता है कि बच्चे नहीं खाते। और इस मसालों में जब हम मसाले इसमें ऐड करेंगे तो हम उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके डालेंगे इसमें। इसमें मैंने नमक, मिर्च और जरा सी हल्दी डाली है। वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे और
इसको ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। दोस्तों यह हमारी पास्ता प्लस मैक्रोनी बॉइल्ड हो चुकी है और आप देखेंगे कि बिल्कुल दाना दाना हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऐड किया है जिससे, और इसको जब भी आप वॉश करेंगे तो उसके लिए आप ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। और इधर हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं, इसमें मैं ये पास्ता ऐड कर दूंगी। अच्छे से हमें मिक्स करना है। दोस्तों वेजिटेबल्स इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते, इस वजह से हम इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो मेरे बच्चे का खाना पसंद नहीं करते। आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं और जो मर्जी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड करना चाहिए ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे मैक्रोनी और पास्ता जो है वो अच्छी तरह से बॉयल्ड है, जिसकी वजह से इन्हें हार्डली 2 से 3 मिनट्स ही सिर्फ पकाना है। और इसको यमी यमी टेस्ट देने के लिए और बच्चों की पसंद का बनाने के लिए हम इसमें एक मैगी मैजिक मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों हमारा यम्मी यम्मी पास्ता प्लस मैक्रोनी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसी हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, कभी भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में कभी भी हम खा सकते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पास्ता, कोक, केशव, हृदयांश आपका और जियांश और उनकी मम्मा, यहाँ हमारी क्या हो रही है? पार्टी 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 हो रही है। पार्टी 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 हो रही है। दोस्तों आज की पार्टी में बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत मजा आया। पास्ता वाकई में ही बहुत टेस्टी बना हुआ था। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्नैक्स के रूप में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, जब मर्जी बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट ही रहता है क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल्स वगैरह को मतलब थोड़ा बहुत ही ऐड करते हैं तो इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। और आप इसमें ब्राउन पास्ता भी मिलता है मार्केट में, बच्चों को वो थोड़ा सा टेस्ट ही नहीं लगता, इसलिए मैं उनके लिए ये वाला पास्ता यूज़ करती हूँ। अगर आप ब्राउन पास्ता बनाएंगे तो उसमें भी आप इसी तरह से जो रेसिपी है इसी तरह से बना सकते हैं और वाकई में ये बहुत ही टेस्टी बनता है, यमी होता है। प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके पास में ही बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग। बाय बाय। सी यू। टेक केयर।